एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीचैन मिसो के घर पर आती है और उसे केक देती है और कहती है कि आज मैंने पहली बार अपने हाथों से केक बनाया है, टेस्ट करके बताना कैसे बनाए। तो मिसो केक पाकर खुश होता है और मीचैन को शुक्रिया कहता है और ये बोलकर मीचैन वहाँ से निकल जाती है और बाहर कबाव और साबू से मिलती है और कबाव साबू उसको केक देने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और उसके बाद मिसो अपने रूम में जाता है और केक देखकर बोलता है कि मैं कितना लकी हूँ, मीचैन मेरे लिए खास करके केक बना के लाई है। वो केक खाने वाला होता है तभी पाको उड़कर उसके रूम में आ जाती है और मिसो केक छुपाकर पूछता है कि पाको तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो पाको कहती है बस ऐसे ही आई थी। तभी उसको केक दिखता है और वो उसका केक छीनकर खा जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही टेस्टी केक था। और तभी मिसो देखकर गुस्सा हो जाता है और पाको पर अटैक करता है। तभी पाको उसको एक हाथ से पटक देती है और कहती है कि मुझ जैसे नाजुक लड़की पर अटैक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, और वैसे केक बहुत ही टेस्टी था, किसने बनाया था। तो मिसो कहता है कि ये केक बड़े प्यार से मीचैन ने मेरे लिए बनाया था और तुमने इसे पूरा खा लिया। और इस सुनकर पाको जेलस फील करती है और कहती है कि क्या ये केक मीचैन ने बनाया था, बहुत ही बकवास बनाया था। और ये बोलकर वो वहाँ से उड़ जाती है। तभी उसको पैंग का कॉल आता है तो वो पायन की तरफ निकल जाती है। और उसके बाद पायन परमैन को भी कॉल करके बुलाता है तो परमैन उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है कि पायन तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया। तो पायन कहता है कि रुको एक मिनट, पहले पाको को आने दो फिर मैं बताता हूँ। तो परमैन कहता है क्या वो नक्चरी भी आ रही है। और तभी पाको आ जाती है और परमैन को देख लेती है और कहती है कि पायन तुमने इस पागल को यहाँ पर क्यों बुलाया है, मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहती। तो ये सुनकर परमैन कहता है कि पागल मैं हूँ या फिर तुम हो, और मैं भी तुम जैसी नक्चड़ी के साथ काम नहीं करना चाहता। तो पाको कहती है तो मैं कौन सा करना चाहती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से उड़ जाती है। तो ये सब देखकर पायन परमैन से पूछता है कि परमैन तुम दोनों लव बर्ड के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या। तो परमैन गुस्से में कहता है कि पायन तुमसे किसने कहा कि हम लव बर्ड्स है, आगे से ऐसा मत बोलना। और तभी वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो पायन बोबी से कहता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है, अभी हमें ही इनका झगड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पायन परमैन और पाको के पैरों में बेड़िया बांध देता है और परमैन पूछता है ये तुमने हम दोनों के पैर में बेड़िया क्यों बांध दिए। तो पायन कहता है कि ताकि तुम दोनों एक साथ काम कर सको। तो परमैन गुस्से में कहता है कि मैं इस नक्चरी के साथ काम नहीं करना चाहता। तो पाको कहती कि मैं भी इस डम्बो के साथ काम नहीं करना चाहती। भी वो झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उन दोनों को समझाने के लिए पायन गुस्से में उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों भूल गए क्या, तुम दोनों परमैन हो और परमैन हमेशा एक साथ काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, इसलिए अपने बीच का झगड़ा भूल जाओ और साथ में काम करो। और वैसे भी टीम के बीच में झगड़ा तो होता ही रहता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। तो वो दोनों समझ जाते हैं। तभी परमैन पूछता है कि अब तो बताओ तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो पायन उन दोनों को एक क्रिमिनल की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये एक फरार मुजरिम है जिसने एक अमीर औरत की पिक को किडनैप किया है और वो उस पिक को लेकर इस कार से भागा है। तो ये देखकर परमैन कहता है कि तो हमें जल्दी उसे पकड़ने काम पर लग जाना चाहिए। और ये बोलकर वो उड़ने वाला होता है तभी पाको नहीं उड़ती है और उस बेचारे को जमीन पर गिरा देती है और उसको चोट लग जाती है। तो तभी परमैन गुस्से में कहता है कि ऐसा तुमने क्यों किया पाको। तो पाको कहती है तुम भूल गए क्या, हमें साथ में मिलकर काम करना है। तो परमैन कहता है कि हमें साथ में मिलकर काम करना है इसलिए मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली कर देता। तो पाको कहती है जरा फिर से कहना तुमने क्या कहा। परमैन कहता है कि जो तुमने सुना। तभी उन दोनों का झगड़ा अगेन स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों अलग अलग उड़ने का ट्राई करते हैं तो वो दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। तभी वो अगेन लड़ने लग जाते हैं। तो पायन उन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम एक साथ काम करोगे तभी उस पिक को ढूंढ पाओगे।
तो दोनों समझ जाते और लेफ्ट की तरफ उड़ जाते और उसके बाद पायान राइट की तरफ उड़ जाता है। एंड इसके बाद हम देखते कि वो दोनों उस चोर को ढूंढ रहे होते, तभी उन दोनों को ब्रिज पर बहुत बड़ा ट्रैफिक दिखता है और पाको उससे पूछती है कि इतने बड़े ट्रैफिक के बीच में हम उस अकेले चोर को कैसे ढूंढ पाएंगे। तो परमैन गुस्से में कहता है कि मुझे क्या पता, मुझे तो बस उस चोर को ढूंढना है और तुमसे छुटकारा पाना है। और तभी वो ये बोलकर लेफ्ट की तरफ उड़ने लग जाता है और पाको राइट की तरफ, और तभी अगेन उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी वो दोनों शांत हो जाते हैं और एक जगह की तरफ निकल जाते हैं। एंड दैट टाइम उन दोनों को पार्किंग स्पॉट में वो किडनैपर दिखता है और वो अपनी कार पार्किंग स्पॉट में लगाकर बाहर निकलता है उस पिक के साथ। तभी पाको पायान को कॉल लगाती है और पायान उनकी तरफ निकल जाता है और वो दोनों बिना सोचे समझे उस पर अटैक करते। तभी उन दोनों की बेड़िया इलेक्ट्रिक पोल में फंस जाती है और वो दोनों मुंह के बल नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों को चोट लग जाती है। तभी वो आदमी अपनी कार उन दोनों पर चढ़ाता है। तभी पाको और परमैन उसकी कार को पकड़ लेते हैं, अपने हाथ पर उठा देते हैं और उसकी कार को आसमान में उड़ा के लेके जाते हैं। और तभी उनको रास्ते में पायान मिलता है, तो पायान के साथ पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। और तभी वो दोनों अगेन सुबह की बात पर झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों के झगड़े से वो किडनैपर भी परेशान हो जाता है और उन दोनों को शांत होने को कहता है, तो वो दोनों उसको ही शांत कर देते हैं। और वो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों कार को हिलाने लग जाते और तभी उस किडनैपर के हाथ से वो पिक नीचे गिर जाता है। तो पायन और बूबी उसे बचाने के लिए जाते हैं, तभी परमैन और पाको भी उसे बचाने के लिए जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्पीड बढ़ाते और उस पिक को पकड़ लेते और उसको बचा लेते हैं। और इस बात से पायान खुश होता है और उन दोनों से पूछता है कि वो किडनैपर कहाँ पर है। तो पार्को कहती है कि हमने उस किडनैपर को उस चीनी के ऊपर रख दिया है। एंड फाइनली उनका झगड़ा सॉल्व हो जाता है और उसके बाद पाको और परमैन एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पिक को उसके मालिक के पास लौटा देते हैं। एंड इसके बाद पायान उन दोनों की बेड़िया खोल देता है और कहता है कि अब तुम दोनों फ्री हो गए हो, अब प्लीज झगड़ना मत। और वो दोनों फ्री होती अगेन सुबह की बात पर झगड़ा स्टार्ट कर देते और परमैन पाको को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिचुगुआ का केक खाने की। तो पाको कहती है कि वो इतना भी अच्छा नहीं था, बहुत ही बकवास था। और उन दोनों के झगड़े से वो दोनों भी पक जाते और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।